Travel Guide. Smart way to fly. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب شرح لصدري ويسر لي أمري وحل لغدة من لساني يفقه قولي أما بعد तमाम तारीफ़ें वल्ला वजल के लायक ज़ैबा है जो तमाम जहनों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है और दरअलम उसके आखिरी नबी महम्मद सलील वम पर नाज़रीन आज मैं आपके सामने उमरे का मुख्तसर तरीक़ा कि उम्र जब इंसान करे तो उसका मुख्तसर इन शॉट क्या तरीक़ा होंगा वो रखने की जो है कोशिश करूँगा मैं बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ या मसायलो जो इसमें होते उसमें नहीं जाऊँगा उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई मसला हो तो आप जो से रुजू करें और उनसे उस मसले को पूछ लें ये वीडियो जो है ट्रैवल गाइड हज एन उम्र कैनेडा के, के लिए बनाया जा रहा है तो आइए मुख्तसर समय उमरे का तरीक़ा आज आपके सामने रखता हूँ हर इंसान ये कोशिश करता है कि वह अल्लाह के घर की जीारत करे या तो हज के जरिए या तो उमरे के जरिए तो सबसे पहली चीज़ याद रखिए उमरे के लिए वो ये है कि इंसान मीकात पर पहुँच कर एहराम को बांधे मुक़ात पर पहुँच कर एहराम को बांधे याद रखिए और अगर आप सफ़र करके जा रहे हैं और आपके मुल्क से जब आप जा रहे हैं तो फ़्लाइट के जरिए जा रहे हैं और मीकात अगर बीच में आता है मतलब फ़्लाइट के दौरान आता है तो यहाँ इसकी इजाज़त है कि आप अपने घर से अहराम मान कर निकले या फिर आप एयरपोर्ट पहुँच कर अगर वहाँ सहूलत हो तो वहाँ अहराम मान लें और उसके बाद जो है फिर ज़ाहिर सी बात है आपको मीकात पहुँचने की ज़रूरत नहीं चूँकि मीकात आपकी फ़्लाइट में बीच में आने वाली हैदर की ठीक है तो मीकात पहुँच कर एहराम मानना या अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं तो अपने घर से या एयरपोर्ट से फिर आप जो है एहराम बांध सकते हैं या अगर सहूलत हो तो फ़्लाइट में बहरहाल अपनी खाद से पहले अगर आपको पता हो मीकात कब आने वाली है और एहराम मानने का वक्त हो फ़्लाइट में इतनी सहूलत हो तो बहरहाल वहाँ भी ये काम आप कर सकते हैं लेकिन इस मामले में एहतियात करें चूँकि फ्लाइट में जनरली इसकी सहूलतें आम तौर से नहीं होती है बहरहाल आगे बढ़ते हैं इसी तरह एहराम मानने से कबल इंसान जो है गसल करे और अगर चाहे तो अपने जिस्म पर खुशबू लगा सकता है एहराम पर खुशबू नहीं याद रखिए तो मर्द चाहे तो खुशबू लगा सकता है याद रखिए इसी तरह जो है एहराम बांधने से पहले लब्बई उम्र कहकर या अल्फाज कहकर उम्र की नीयत करना चाहिए याद रखिए ठीक है तो ये आप कर सकते हैं अगर आप भूल जाए किसी वजह से मतलब आप अहराम मानने से पहले पढ़ना भूल जाए तो कोई मसला नहीं आप उसके बाद जो है जब भी आपको याद आ जाए याद रखिए इसको आप याद से पढ़ ले याद रखिए इसी तरह जो है अहराम की हालत में आप चप्पल पहन सकते हैं सैंडल पहन सकते हैं ऐसी चीज जो आधा जूता जैसा दिखती हो पहन सकते हैं और चप्पल स्टिच्ड

बैतुल्ला शरीफ का तवाफ काबे का तवाफ शुरू करने से पहले याद रखिए तलबिया पढ़ना बंद कर देना चाहिए इसी तरह जो है तवाफ शुरू करने से पहले जो याद रखिये जो अहराम आप बांधें उसकी दो चादरें होती है एक नीचे होती है एक ऊपर होती है तो अहराम की जो चादर है याद रखिए उस चादर को इस्तेबा की कैफियत में ला ले मतलब यह है कि चादर को जो है सीधे हाथ के नीचे से निकाल के ओढ़ ले मतलब चादर आपने यूं ओढ़ी थी अब उस चादर को आपको ये करना है कि ये कांधा जो सीधा हाथ याद रखिये उसके नीचे से निकालना है अंदर से बगल में से निकाल के इधर डालना और यह जाहिर सी बात है मर्दों के लिए क्योंकि औरतों के लिए अहराम उनका अपना लिबास या अपना उनका पर्दा ही होता है याद रखें ठीक है तो लिहाजा वो निकालेंगे तो उसका सीधा हाथ याद रखिए अब खुला हो जाएगा उल्टा हाथ ढका हुआ याद रखें तो इस कैफियत को इस्तेबा कहते हैं और तवाफ करने से पहले याद रखे इस्तेबा करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था याद रखिए ठीक है अगर मिसाल के तौर पर आप काबे का जो है तवाफ कर रहे हैं और इस हालत में कि आप इसबा वाली कैफियत में मतलब आपका सीधा कांधा खुला याद रखिए और नमाज वगैरह का वक्त हो जाए तो नमाज में याद रखिए कांधे ढके होना ज़रूरी है तो लिहाजा आप वो कपड़े को निकाल लें और कांधे दोनों ढाक के नमाज़ पढ़ ले नमाज़ होने के बाद फिर आप जो है उसको उसी कैफियत में ला लें और फिर अपने तवाफ़ को जो है शुरू कर दे चूँकि बहुत सारी बार होता है हम तवाफ़ के लिए पहुँचते हैं एक दो तवाफ़ होते हैं अजान हो जाती है नमाज के लिए लोग खड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अब आप तवाफ रोकना है लेकिन नमाज पढ़ना है तो उसके लिए आप कंधों पर डाल लेंगे कंधे चूँकि नमाज में ढके होने चाहिए नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद खोल के वापस से आप जो इसबा वाली कैफियत इख्तियार कर लेंगे ठीक है इसके बाद याद रखिए हजर असवद का इस्तेलाम से तवाफ़ का आगाज होगा हजर असवद के इस्तेलाम हजर असवद का इस्तेलाम से मुराद या तो हजर असवद को चूमा जाएगा या तो हजर अस्वद को मौका मिले तो बोसा जिसको कहते हैं पेशानी को उस पर रखा जाए या अगर वो भी ना हो तो हाथ रख के उसको चूमा जाए अगर वो भी ना हो तो बहरहाल फिर सिर्फ इशारा किया जाए याद रखिए तो उसके इस्तेलाम से आप जो है तवाफ का आगाज़ करेंगे और ऐसे तवाफ़ के साथ चक्कर होंगे और हर तवाफ़ का चक्कर हजरे इसवद से शुरू होकर हजरे इसव पर आकर खत्म होगा इसको एक काउंट किया जाएंगे याद रखिए ठीक है तो हजरे इसव का इस्तेलाम करेंगे और अगर ऐसा ना हो सके और आप दूर है और ऐसा उमून नहीं होता है रश बहुत ज़्यादा होता है पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है और ज़हर सी बात है अगर आप वहाँ जाकर बोसा लेना चाहेंगे सर रखना चाहेंगे चुभना चाहेंगे तो लड़ाई झगड़े होते हैं ज़हर सी बातें मोमिन को तकलीफ देना धक्का भुक्की करना मर्द औरतों का घुसना उसके लिए जाना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुआ तो आप छोड़ दें और इस्तेलाम दूर से इशारा करें और इशारे के लिए संगयासव की तरफ आप देखें हाथ से इशारा करें और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्ला अकबर कहे और जब आप ऐसा करेंगे तो हाथ से करें इशारा उसको हाथ को चुभना नहीं याद रखें चुभना सिर्फ तब है जब आप फिजिकली उसको या तो आप भूसा ले सकते हैं उस पर पेशानी रख सकते हैं या हाथ लगा के चूम सकते हैं लेकिन जब आप दूर से कर रहे हैं तो सिर्फ इशारा करना है बिस्मिल्लाह अकबर और सिर्फ एक हाथ से इशारा करना है दोनों हाथ रफे दिन कैसे नहीं उठाना है आप ये कहकर अपने तवाफ का आगाज करेंगे याद की और तवाफ के हर चक्कर में हजरत असवद का इस्तेमाल करना है तवाफ़ के हर चक्कर में मतलब आप जितने बार भी हजरत असवद के पास पहुंचेंगे हर चक्कर में उसका इस्तेमाल करना है मतलब ये कि उसकी तरफ इशारा करना है बिस्मिल्लाह अकबर और फिर चक्कर की शुरुआत करना है यादर की इसी तरह याद रखिए तवाफ के अंदर पहले जो तीन चक्कर होंगे उन तीन चक्कर के अंदर याद रखिए रमल करना है रमल कमाना है थोड़ा सा तेज़ चलना थोड़ा सा तेज चलना कांधों को बुलंद करके कांधों को ऊंचा करके थोड़ा सा तेज़ चलना है और ये सिर्फ मर्दों के लिए याद रखिए औरतें अपनी आम चाल चलेंगी ठीक है तो तीन चक्कर शुरुआत के साथ में से तीन चक्कर थोड़ा तेज चलना है ये भी अगर मुमकिन हो हालात हो रश कम हो तो होगा वरना अगर ऐसा ना हो रहा हो तो फिर तो आपको जो पब्लिक जिस चाल से चल रही है लोग जिस चाल से चल रहे हैं उसी चाल से चलना होगा लेकिन अगर मुमकिन हो तो थोड़ा कांधों को उठाकर थोड़ा तेज चलने की कोशिश जो है करना चाहिए पहले तीन चक्कर याद रखिए ठीक है इसके बाद याद रखिए रुकने यमानी के पास जाना और रुकने यमानी को एक मरतबा छूना उसको बोसा नहीं देना याद रखिए मौका मिले तो आप उसको हाथ लगाइए मौका ना मिले तो फिर वहां से बगैर इशारा किए कि सीधे आप निकल जाइए फिर आपका दूसरा चक्कर फिर आप हजरत अथपथ के करीब जाएंगे और वहां दूसरा चक्कर चालूंगा रुकने यमानी से लेकर हजर के बीच में नबी अकरम सल्ला व्लम रब्बातीी नफ़िल दुनिया हंसनत वफ़िल आख़िरती हसनत व ये दुआ पढ़ते थे और ये दुआ आपको भी पढ़ना चाहिए याद रखें इसके अलावा तवाफ़ के अंदर सात चक्कर में कुछ लोग खास मखसूस दुआएं पढ़ते हैं ऐसा कुछ साबित नहीं है आपको जो दुआएं कुरानी याद हो जो दुआएं नब्बी याद हो या वो भी अगर याद ना हो तो अपनी ज़बान में आप दुआएं कर सकते हैं वैसे तो अरबी में करना चाहिए अफजल है लेकिन अगर याद ना हो तो वो भी ये आम अपनी जबान में भी आप दुआएं कर सकते हैं लेकिन रुकने ईमानी से लेकर हजर असवत के बीच में खास तौर से रब्ब नाती ना दुनिया हंसनत व फिलानत ये साबित है तो ये पढ़ने की आप जरूर जो कोशिश करें इसी तरह याद रखिए एक तवाफ़ जिसको हम कहेंगे एक मुकम्मल जो है तवाफ़ के लिए जो है सात चक्कर पूरे करना होंगे मतलब तवाफ़ जो हम बोलते अमल काबे का तवाफ उसमें सात चक्कर मुकम्मिल करना होंगे आपको तो सात चक्कर आपने किए शुरुआत होंगी संग्वत से और खात्मा मतलब संग्वत से संगे पे आया एक चक्कर संगे पे आया दो चक्कर सात होंगे हर बार संग्वद पे आने के बाद आपको इस्तेलाम करना बिस्मिल्लाह अकबर कहना और फिर जो है आगे बढ़ना याद रखिए इसी तरह जो है सात चक्कर पूरे करने के बाद याद रखिए आपको मुकाम इब्राहिम की तरफ जो है बढ़ना पड़ेगा तो ये आप जो है पुरानी जो है आयत का एक हिस्सा ये पढ़ते हुए बढ़ेंगे वक्त तज़ुम तो मुक़ाम इब्राहिम मुसल्ला यह दुआ पढ़ते हुए मुक़ाम इब्राहिम की तरफ पढ़ेंगे मुक़ाम इब्राहिम काबे से बड़ा करीब है याद रखिए और मुक़ामी इब्राहिम की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ जाकर आप दो रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे याद रखिए दो रकात नफिल नमाज़ पढ़ेंगे मतलब मुक़ाम इब्राहिम आगे होंगे आप उसके पीछे कहीं जगह देखें अगर वहाँ जगह ना मिले रश ज़्यादा हो बहुत मुश्किल हो तो फिर जहाँ जगह मिले पीछे जितने पीछे हो सके पड़े नजदीक हो तो बेहतर है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए कोई झगड़ा ना करे इसके लिए कोई फितना ना करे इसके लिए मैंने देखा हूँ बहुत सारी बार लोग लड़ाई झगड़े करते हैं जगह जीतने की कोशिश करते हैं धक्का भुक्की करते हैं ये सब गलत है याद रखिए जहाँ कहीं जगह मिले वहाँ आराम से पढ़े दो रकात नफिल नमाज पढ़ना है अगर हो सके हो सके तो पहली रकात के अंदर सूरह काफिरून और दूसरी रकात में कुल वल्ला अहद ये पढ़ना चाहिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है याद रखिए लेकिन अगर कोई मसला नहीं आप भूल भी जाए अपने अतबार से जो सूरह पढ़ना चाहिए को मसला नहीं लेकिन एक सुन्नत याद रखिए ठीक है इसी तरह जो नमाज के बाद याद रखिए आबि जमज़म पीना चाहिए जो कि नमाज जब आप पढ़ लेंगे मक़ाबी इब्राहिम के पास तो आबि जमज़म आपको हर जगह मिल जाएगा आबि जमजम पीना चाहिए आबि जमजम पीने के बाद थोड़ा आबि जमजम सर पर डालना भी चाहिए अगर बच जाए तो या बचे ना भी तो अलग से लेके आप डाल सकते हैं ये वहाँ जगह हालात माहौल के अतबार से जैसा मैसर हो वैसा करें इसके बाद जब आप ये काम कर ले तो फिर आप जाएंगे संगे स्वद कोाम करेंगे और संगे असवत का इस्तेम करके आप जो है सफ़ा पहाड़ी की तरफ निकल जाएंगे और सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ते हुए सफ़ा पहाड़ी की तरफ चढ़ते हुए ये आयत हम कुरान की पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह ने फरमाया और आयत इस तरह से यह आयत भी है और उसके साथ एक दुआ भी याद रखी उसको इस तरह से पढ़ेंगे मिन वमन नलीम। ये पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर कहेंगे जिसका माना होता है वहाँ से इब्तदा करते हैं जहाँ से अल्लाह ने इबा करने का हुक्म दिया वहां से शुरू करते हैं जहाँ से अल्लाह ने सफ़ा मरवा की सही करने का हुक्म दिया है और ये कहते हुए ये कुरानी आयत पढ़ते हुए हम जो आगे बढ़ते हैं और सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ कर कबला रुख मुँह करके सफ़ा पहाड़ी पर जब आप चढ़ जाएंगे तो आपको क़िबले रुख मतलब तो काबा जिस तरफ है उधर आपको देखना है और उधर देख कर आपको ये दुआ तीन मरतबा पढ़ना है याद रखिए और ये दुआ आपको सफ़ा भी पढ़ना है और मरवा पर भी पढ़ना है और हर चक्कर में हर बार जब रुकेंगे पढ़ना है अल्लाह अकबर ला ला इलाहा शरीक लहू लहुल वलहुल अला कुल्ली लहबुल्हुल्लिशन कदीर फिर आप कहेंगे ला ये दुआ आप तीन मरतबा पढ़ेंगे ठीक है फिर यह दुआ पढ़ने के बाद आप आगे निकलेंगे और मरवा की तरफ जाएंगे तो सही की शुरुआत सफ़ा से शुरू होकर मरवा की तरफ होंगी याद रखिए और सफा से मरवा एक चक्कर काउंट होगा मरवा से सफा दूसरा चक्कर फिर सफा से मरवा तीसरा चक्कर तो गोह सात चक्कर आपको लगाना है तो शुरुआत सफा से होंगी और खात्मा मरवा पे होंगे कुछ लोग गलत फहमी के शिकार होते हैं वो जाकर वापस आकर एक चक्कर मानते हैं ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना सफा से मरवा जाना एक चक्कर कुछ लोग सफा से मरवा पे मरवा से सफा के एक काउंट करते हैं गलत वैसे चौदह चक्कर हो जाएंगे तो सफा से मरवा एक मरवा से फिर सफा दो सफा से फिर मरवा तीन इस तरह से आप चक्कर करेंगे याद रखे इन चक्कर के बीच में याद रखिए तो ये दुआ तो तीन मरतबा पढ़ना है आपको सफा पे भी मरवा पे भी हर बार जब भी रुकेंगे लेकिन उसके बीच में जब आप चलेंगे आपको जो पुरानी दुआएं याद है वो दुआएं पढ़े और इन चक्कर के बीच में कुछ सब्ज रंग के सुतून मतलब ग्रीन रंग के कॉलम्स या ग्रीन लाइट्स आपको मिलेंगे कॉलम्स के बीच में जलते हुए इस दौरान आपको थोड़ा तेज चलना है थोड़ा तेज चलना है भागना नहीं याद रखिए बहुत से लो एकदम रनिंग के साथ बहुत तेज भागते तेज चलना है और ये तेज चाल सिर्फ मर्दों के लिए औरतें अपनी आम चाल चलेंगी याद रखें ठीक है तो गोया तवाफ में भी जो तीन चक्कर में तेजी है वो मर्दों के लिए और यहाँ भी जो सब्ज रंग के सुतून या ग्रीन रंग के कॉलम्स या ग्रीन रंग के लाइट्स जहाँ होते हैं वहां जब आप चलेंगे तो थोड़ा तेज चलेंगे याद रखिए और ये भी मर्दों के लिए याद रखिए ठीक है अब सही के दौरान भी याद रखिए सफा और मरवा दोनों पहाड़ी पे वो दुआ तीन तीन बार पढ़ना है जो मैं रख चुका हूँ लेकिन उसके अलावा बीच में आपको जो कुरानी दुआएं याद है आप वो कर सकते हैं जो हदीस की दुआएं याद रहते नबी दुआएँ याद रहते वो कीजिए ना याद हो तो फिर अपने अल्फाज में जो भी दुआएं करना अल्लाह ताला से आप बहरहाल कर सकते हैं याद रखिए ठीक है इसी तरह जो है आपने सात चक्कर जो है मुकम्मल किए तो सफ़ा से आप शुरू करेंगे तो मरवा पे होंगे याद रखिए अब मरवा पे जब आप पहुंच जाएंगे तो मरवा पे आपका मामला ख़त्म होगा वहां आपने जो दुआ थी आखिर तीन बार पढ़ ली ये ख़त्म हुआ अब इसके बाद आपको अपने सर के बाल या तो साफ़ करना है मतलब टखला बना लेना है या तो पूरे बाल निकाल ले तो गंजा कराले नाम जबान में जो कहते हैं या फिर अगर ऐसा ना करना है तो फिर आप पूरे बालों को एक लेवल में कटवा ले दोनों में से जो भी आप कर सकते हैं ये मर्दों के लिए याद रख एक गलती जो मर्द इसमें करते हैं वो ये कि मर्द बहुत सारी बाल थोड़े बाल यहाँ से काटते हैं थोड़े बाल यहाँ से काटते हैं थोड़े यहाँ से थोड़े पीछे से समझते हो गए नहीं अगर आपको बाल कम करना है गंजा नहीं कराना है सर मुडाना नहीं है साफ नहीं करना है तो फिर आपको पूरे बालों को एक साथ छोटे करना होगा वहाँ हजाम होते हैं बार बर्स होते हैं वहां जाए या तो मशीन से कर ले या तो जैसा बहरहाल कर सकते हैं और औरतों के लिए याद रखिए कि एक कोर या दो पोर अपने बालों का निचला हिस्सा मतलब जहां उनके बाल खत्म होते एक कोर या दो पो वो काट ले जिसके लिए आप एक कैंची वगैरह अपने साथ लेकर चले जाए वहां वैसे लोग कैंची वगैरह भी देते हैं तो औरतों के लिए तो ठीक है एक पोर या दो पोर काट ले और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग बाल साफ़ कर लेते हैं मुकम्मल तौर से टखला करते हैं उनके लिए दुआ की याद रखिए तो लिहाजा अफजल तो ये कि पूरे बाल साफ़ कर ले लेकिन कोई चाहे तो पूरे बालों को थोड़ा कम कर सकता है इसमें कोई नहीं लेकिन याद रखें अभी आप एहराम की हालत में रहेंगे जब तक आप बाल नहीं साफ करते या बाल नहीं तर तरश हुआते आप अहराम नहीं उतारेंगे तो लिहाजा अगर मरवा पे जाने के बाद ये सहूलत वहाँ ना हो और चूंकि आजकल वहाँ सहूलत नहीं होती कैची वगैरह तो मिल जाती है जिससे औरतें कर लेती है बाकी लोगों को हर से तो बाहर जाना होता है और हजाम की दुकान बार बार की दुकान तलाश करना होता है तो याद रखिए गलती कभी मत कीजिए कि अहराम को बगैर बाल काटे के उतार दीजिए अहराम आपके आंख पे ही होंगे जब तक आप बाल नहीं साफ करते या बाल नहीं छोटे करवाते तो आप अहराम को रखेंगे बाल छोटे होने के बाद या पूरे साफ़ होने के बाद आप अहराम को उतार देंगे अब आप हलाल हो गए अब आप अहराम की कंडीशन से बाहर आ गए अब आप जो करना चाहें बहरहाल कर सकते हैं तो ये था सा तरीका किस तरह से उम्र किया जाए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे उम्र को और हमारे हज को जो है कबूल करें अल्लाह ताला अपने घर का हज और उम्र हमें नसीब फरमाए अल्लाह ताला हमारी इबादतों को जो कुछ हम करते हैं उसको जो कबूल करें अल्लाह ताला हमारी इबादतों को हमको सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फ़रमाए जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखें खामा ईमान पर हो वाखिर दावानी अलहमदिल्लाबिलामिन سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Travel Guide, Smart Way to Fly. For further details, contact Travel Guide at 905 366 0220 or our toll free number at 1 888 541 0220 or visit our website www.travelguidehajjandumra.com.